नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और ये देखिए, आपको यहाँ पर मेरी जो ये खेत हैं, जो कि मैंने कंटेनर में बनाए हुए हैं, ड्रम में, ये खाली दिख रहे होंगे। और अभी टाइम आ गया है, इसमें भिंडी थी, ये सब मैं निकाल दूं और नई सब्जियां बोने का। तो हम कुछ प्योद लेके आए थे, ये देखिए 60 प्योद हैं टोटल, 10 छोटे बैंगन है गुच्छे वाले, 10 भरते वाले हैं, और 20 पत्ता गोभी है, 10 मिर्ची, 10 टमाटर, ऐसे करके। और ये कुछ बीज मैं लेके आई हूँ, तो अब इनको हम बोएंगे, आपको दिखाएंगे। आई हूँ क्योंकि बीज लगाओ बनाओ उसमें काफी टाइम लग जाता है। बहुत आसान है लगाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें देखिए कितनी लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे अभी तो हो रही, मुझे लगा बहुत जल्द। आधे में चुकंदर, आधे में मूली। तो आप ये देखिए कि आधी भी नहीं निकली है, मतलब इनको कीड़ा है या क्या है, किसी चीज ने खा लिया। अगर आपकी इसकी कैपेसिटी 100 बीज की है तो आप उसमें कम से कम 150 बीज तो डालिए, जिसमें से 25 बीज मर जाएंगे, 25 खराब होंगे, 25 को चिड़िया चुग जाएगी, तो आपका जाकर के 25 बीज उगेगा। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो यही है कि, और मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे बीज है इनका पिटारा, ये बीज है, इनको मैं फ्रिज में रखती हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपको अगर यूज करने हैं इसमें करिए, और नेक्स्ट ईयर के लिए आप उनको उठा करके फ्रिज में रख दीजिए। तो ये मैं अभी ही लेके आई थी, नेक्स्ट ईयर उगेंगे नहीं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो हम इसके अंदर कुछ बीज लगा देते हैं दोबारा से किसी खेती में, और वो उगते हैं नहीं ये भी दिखाऊंगी। बीट रूट में फर्स्ट टाइम, तो मैं कैसे इसमें से कुछ पेड़ निकालूंगी जो कमजोर है, और उनको मैं मतलब कहीं और शिफ्ट कर दूंगी, ये आपको दिख रहे होंगे। जो ये पौधे मैंने आगे क्यारी में निकाले थे, आपके अंदर काफी ज्यादा थे, सारे के सारे पौधे एक्चुअल में उग गए थे। एक में मैंने 10 लगाए थे तो 10 के 10 उग गए थे, तो वो बहुत ज्यादा हो रहे थे उस क्यारी के लिए, इसलिए मैं उनको वहां से निकाल के, और पीछे मैंने जो थर्माकोल रखे हुए हैं अपने बालकनी में, वहां पर मैंने इनको शिफ्ट किया है। आपने पूरी वीडियो देखी, आई होप अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब।